तो गाइज ये फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ही ये फोटो वायरल है। इससे पहले भी मैंने इस फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल आपको बताया था, जिस पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा व्यू दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर वो वीडियो जाके आप देख लो, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने व्यू दिया है और ये इंस्टाग्राम पर आग लगा रही है फोटो एडिटिंग। तो ये मैं आपको दो ही स्टेप में सिखा दूँगा, ठीक है फ्रेंड। और इसमें हम आपको फुल HD अल्ट्रा क्वालिटी करके दिखाएंगे कि आप जूम कितना भी करोगे आपकी फ़ोटो फटने नहीं वाली। और बहुत से लोग के डाउट्स होते हैं कि ये फ़ोटो एडिटिंग लैपटॉप या मोबाइल से, मतलब PC वगैरह से किए होंगे, लेकिन हम मैं आपको एक सिंपल से एंड्रॉयड मोबाइल से ही ऐसे फ़ोटो एडिटिंग करके दिखलाऊंगा, ठीक है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप इसमें कुछ नहीं सीख पाओगे। यदि आपने थोड़ा सा बीच में हमारी वीडियो को स्किप कर दिया तो आपकी कोई एक स्टेप छूट जाएगा और हमारी फ़ोटो एडिटिंग आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और गाइस इसमें जितने भी PNGs वगैरह, जैसे कि नाइफ, ब्लड, आंसू, सब इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप देख सकते हो ये जितने भी यहाँ पे आपको आंसू, ब्लड, जितने भी PNGs और रोज़ वगैरह सब हैं, सब आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये फेस को कैसे स्मूथ करना है, अल्ट्रा स्मूथ, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, आप फुल बताऊँगा। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और स्टार्ट करते हैं अपनी फ़ोटो एडिटिंग। तो गाइस हम अपनी नॉर्मल फ़ोटो देख सकते हो, हमारी ये नॉर्मल फ़ोटो है, हम इसको ले लेते हैं और अपने शेयर करते हैं फर्स्ट ऑल Lightroom में। तो Lightroom आपको पता ही होगा कि तो गाइस फोटो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे YouTube चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ ना, तो आपको सबसे पहले सीख के, सबसे पहले आप अदर्स ऐप पे अपलोड करके अच्छे खासे लाइक्स कमा सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो इससे पहले भी मैंने ब्लड PNGs वाले पे फोटो एडिटिंग ऐसे अपने मतलब यूट्यूब पे बनाया था फोटो एडिटिंग से रिलेटेड, तो उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आप लोग ने दिए हैं, जो कि भाई 40,000 व्यू है आप, जो कि हम लोग छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत होता है गाइस, ठीक है। तो ऐसे ही प्यारा सपोर्ट बने रहे दोस्तों। और इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ऐसे फोटो एडिटिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, वो भी एक सिंपल से एंड्रॉयड मोबाइल से, जो आपको पूरे यूट्यूब पे गाइस हम गारंटी के साथ दे रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आपको विश्वास नहीं होता ना, तो आप सर्च करके देख सकते हो इस मोबाइल, मतलब इस यूट्यूब चैनल पर ना, आपको एक सिंपल से एंड्रॉयड मोबाइल से ही फोटो एडिटर बना दूंगा, वो भी एक सप्ताह के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो इस पे फोटो एडिटिंग से रिलेटेड इतने सारे वीडियोज़ हैं और आपका प्यारा सपोर्ट बना रहता है। तो गाइस इस वीडियो को भी लाइक कर दे, Lightroom में कैसे शेयर करते हैं, तो हम फर्स्ट ऑल इसको Lightroom में ओपन करते हैं और आप Lightroom ओपन करते हैं और ऑल फोटो पे क्लिक करते हैं गाइस, और हमारी फ़ोटो जो देखते हैं कहाँ पर आई है, तो ये रही हमारी फ़ोटो, ये हमारी फ़ोटो आ चुकी है गाइस। तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको सिंपली हम एक ऑरेंज टून का प्रीसेट हमारे प्रीसेट वाले लिंक में होगा, आप वहाँ से कॉपी करना और इसको 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी कर लेना, और उसके बाद फ़ोटो पे क्लिक करना है और इस फ़ोटो के 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ये फ़ोटो खुद ब खुद देखो बिफोर एंड आफ्टर, दिखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रही है फ्रेंड। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में, मिक्स वाले में, और ऑरेंज टून सेलेक्ट करके ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, सैचुरेशन थोड़ा इतना पे रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे रेड वाला चूज़ करेंगे, इसका सैचुरेशन थोड़ा हाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जाएंगे सेलेक्टिव टूल में, अपनी फोटो को पिंक कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑल यहाँ पे जाएंगे सेलेक्टिव टूल में जाएंगे और यहाँ से हम ये वाला ब्रश चूज़ कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम साइड से इरेज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो गाइस हम यहाँ पर अपनी फोटो पिंक कैसे करते हैं, उसके बाद जाएंगे कलर वाले ऑप्शन में और नीचे वाले कलर को हम पिंक कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे, टेंट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, टेम्प को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, तो इतना करने के बाद हमारी लिप जो हो जाती है, उसके बाद गाइस हम फर्स्ट ऑल क्या कर लेते हैं, अपनी फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं अपनी पिक्सार्ट में, हो जाती है गाइस। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑल अपने फेस को थोड़ा वाइट कर लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन में, उसके बाद हम एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, थोड़ा घटा देंगे, ठीक है। क्लियरिटी थोड़ा बढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाईलाइट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसके बाद इरेजर वाले पर क्लिक करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे और अपने फेस को वाइट करेंगे फ्रेंड, ठीक है। यहाँ से हम फेस को वाइट कर लेते हैं और आप भी कर लेना, और आपको यदि स्नैपशॉट से फेस वाइट करना है तो आप उधर से भी कर सकते हो, मेरे को तो आप यहीं से कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादा ऐप से यदि आपको बताएंगे तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। फर्स्ट ऑल इतना करने के बाद
इसको हम डन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑल हम जाएंगे इस वाले ऑप्शन में और अपनी फ़ोटो पे पहले आइस लगा लेंगे, ठीक है। तो ब्यूटी वाले ऑप्शन में जाके उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे आइस कलर में, और आइस कलर में जाने के बाद गाइस आपको सिंपली आइस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आइस सेलेक्ट करना, ठीक है, तो गाइस अच्छे से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हम यहाँ पे कौन जो आइस आपको अच्छा लगा, जैसे मेरे को ब्लू अच्छा लगा तो हम ब्लू वाला आइस सेलेक्ट करते हैं। इरेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इरेज कर लेंगे और इसकी ओपेसिटी पे जाएंगे और इसको आप ओपेसिटी कम करके इसको सही कर देंगे तो हमारी यहाँ पे आइस लग जाती है फ्रेंड। उसके बाद हम जितने भी PNGs वगैरह बोले हैं ऐड करने के लिए, तो सब PNGs आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो फर्स्ट ऑल हम ये वाले PNGs ऐड करते हैं और ये PNGs को अपने हम हाथ पर लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे इसको हाथ पे लगाएंगे जो कि हमारे हाथ कटा हुआ दिखे, ठीक है। तो इसको हम जूम करेंगे और यहाँ पे हम फिट करते हैं गाइस। उसके बाद इरेजर वाला ऑप्शन फिट करते हैं, हार्डनेस कम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इरेज करते हैं गाइस, अपने फिंगर्स पर से हटा लेंगे। उसके बाद इतना करने के बाद हम यहाँ से डन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो डन पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट PNG हमारे हैंड पे लगा, सेकेंड PNG ऐड करेंगे नाक चाकू का, सेकेंड PNG हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद हम इसको इस तरह से फिट करेंगे जिस तरह से लगे कि यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद शैडो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और शैडो इंक्रीज़ खुद ब खुद शैडो इंक्रीज़ हो जाएगा गाइस, जैसे लगने लगा कि चाकू यहीं पे है रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम सही पे क्लिक करेंगे, फिर से ऐड फोटो में जाएंगे, उसके बाद अपने आंसू को ऐड करेंगे, ठीक है। तो जितने भी आंसू वगैरह जितने भी मैं अभी PNGs लगा रहा हूँ सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फर्स्ट ऑल में इसमें जाएंगे और अपने आंसू ऐड करेंगे, तो हम फोटो को जूम करेंगे, आंसू को छोटा करेंगे, फोटो जूम, आंसू को छोटा करेंगे, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे लगा देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इरेजर वाले पे क्लिक करेंगे, हार्डनेस कम करेंगे, साइज भी कम करेंगे, और हार्डनेस कम करेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ से लगेगा कि गाइस ये आँख से ही निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके हम डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, उसके बाद गाइस हम इसको इस पे लगाएंगे, ठीक है। गाइस अब आराम से बना लेना। उसके बाद इरेजर पे क्लिक करेंगे, इसको भी छोटा कर देंगे, ठीक है। डन पे क्लिक करेंगे, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे थोड़ा सा, इस पे भी क्लिक करेंगे, इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा कम करेंगे। इतना करने के बाद हम डन पे क्लिक कर दे देंगे गाइस। तो देख सकते हो हमारी फ़ोटो में आ चुकी है 2-3 PNGs वगैरह लगने के बाद कितनी ऑसम लग रही है। उसके बाद फिर से हम ऐड करेंगे और अपनी फ़ोटो में, उसके बाद हम ब्लड PNG जो आपको पिछली वीडियो में भी वो PNGs दिए होंगे और इस वीडियो में भी हम आपको वो PNGs दे रहे हैं, ठीक है। फिर ऐड करना, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करके मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है फ्रेंड, और ये थोड़ा सा यहाँ पे इस फेस पे आ जाता है। इसके बाद हम इरेजर पर क्लिक करेंगे, इस पर से थोड़ा इरेज कर लेंगे, ठीक है। इतना पकड़ने के बाद हम डन करते हैं गाइस। उसके बाद फिर से हम ऐड करते हैं अपनी फ़ोटो एक PNGs जो कि ब्लड की है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लेना। सारे PNGs आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई है ना भाई। इसको भी हम जाएंगे यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस पर फिट करेंगे। इरेजर वाले पर जाएंगे, अपनी हेयर से हटा लेंगे, ठीक है। हेयर से हटाने के बाद इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे, फिर से हम ऐड करेंगे अपनी रोज़ वाली फ़ोटो जो कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और पहले भी मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया था, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो रोज़ की PNG, ठीक है। हम फर्स्ट ऑल ये रोज़ ऐड करते हैं और इसकी कट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो आप अच्छे से कट कर लेना, तो इसको कट करने में टाइम लगेगा, तो ठीक है अच्छे से कट कर लेना, ठीक है। जैसे ये रियलिस्टिक लगे, फेक ना लगे बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि फेक लगेगा तो गाइस अभी उतनी फ़ोटो एडिटिंग अच्छी नहीं लगती है। हम रियलिस्टिक फ़ोटो एडिटिंग की बात करते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई भी फ़ोटो एडिटिंग बताते हैं आपको वो रियलिस्टिक होती है, ठीक है। तो हम इतना करने के बाद इसको डन कर देते हैं। उसके बाद इसको हम
साइज़ को छोटा करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम यहाँ पे ले जाके रख देंगे। उसके बाद इसके भी शैडो को हम इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद शैडो को जाके हम शैडो पे क्लिक करते हैं और इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं, डन करेंगे। ये भी लगा कि यहीं पे रखा हुआ है। उसके बाद फिर से हम ऐड फोटो में जाएंगे गाइज। और पता ही आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें बहुत सारी फोटो PNGs ऐड होती है, तभी जाके ये फ़ोटो दिखने में काफ़ी ज़्यादा ही ऑसम लगती है, ठीक है। फिर से हम एक रोज़ की PNG आपको बोले थे कि भाई वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। इसको यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे छोटा करेंगे क्योंकि जगह कम है, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे रखते हैं गाइस। उसके बाद इसकी शैडो हम इंक्रीज़ करते हैं, शैडो को हम नीचे की साइड करते हैं, ठीक है। तो हम नीचे की साइड शैडो को करते हैं, ठीक है, नीचे की साइड कर देंगे, जिससे ये भी फ़ोटो हमारी रियलिस्टिक लगने लगेगी। इसके बाद हम डन पे क्लिक करते हैं। अब आपको जो लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हम जाएंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में और हमको लिखना है फेक क्लब, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेक क्लब, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम जाएंगे अपनी यहाँ पे कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कीवर्ड अच्छा लगे, फेक क्लब यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इसमें आप जो भी चाहो तो वो भी लगा सकते हो। जैसे ब्रोकन हार्ट वाला आता है तो यहाँ पे इमोजी वाले में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रोक के, तो खुद ब खुद ये आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये लिखने में काफ़ी ऑसम लगते हैं। बस इसकी एक चीज़ और कर दो, यहाँ पे स्ट्रिप में जाके ब्लैक वाला सेलेक्ट करके इसको फुल कर दोगे, ये दिखने में काफ़ी ऑसम लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी चीज़ ऐड करना है वो कर लेना, बट हम इसको फेस को वाइट करेंगे, तो हम इसको यहाँ पर सेव कर देंगे, डन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं अपने स्नैपसीड में, ठीक है। तो गाइस स्नैपसीड में ओपन इसलिए करते हैं क्योंकि इसको फेस अभी वाइट ठीक से नहीं हुआ है, जो कि दिखने में अभी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। स्नैपसीड में हम इसको ओपन करेंगे और देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्टिव टूल का यूज़ करेंगे और फोटो को जूम करेंगे और फोटो को वाइट करेंगे, ठीक है। जहाँ जिस साइड हमको फ़ोटो थोड़ी कम वाइट लगती है उस साइड हम वाइट करेंगे और देखो हमारी फ़ोटो दिखने में काफ़ी ऑसम लग रही है, ठीक है फ्रेंड। तो इस टाइप से हम अपनी फ़ोटो एडिट करते हैं। अब देख सकते हो हमारी फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं फट रही है और दिखने में काफ़ी ऑसम लगती है। देखिए बिफोर एंड आफ्टर फोटो को यहाँ से हम शेयर डन पे क्लिक करेंगे, हमारी फ़ोटो शेयर हो जाती है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अब देख सकते हो हमारी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रही है, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।